और हमने ये ठाना है भारत माता की। मेरे तमाम दुकानदार साथी एक अपील है कि आज जरा सड़ा तमाम उधमपुर के साथी नौजवान स्टूडेंट विद्यार्थी मार्च चल करते इस मार्च हफ्ते में हल कर सकते हैं। ट्रैफिक का सुधार, इसमें कोई सरकारी अप्रूवल या फंड्स नहीं चाहिए। यहाँ पे ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना, कोई सरकारी अप्रूवल या फंड्स नहीं चाहिए। पानी, अगर यहाँ पे पानी दो साल पहले आता था आज नहीं आता, तो मुझे लगता है कि अगर विभाग को थोड़ा सा खींचा जाए पानी मिल सकता है। और गंदगी का ढेर उठाने के लिए कोई सरकार का अप्रूवल और फंड्स नहीं चाहिए। और तीसरा, हम ये चाहते हैं यहाँ से हमारे लोगों का, सरपंच सरपंच साहिबान का जो पुराने और नए हैं, इनका सिर्फ चार चार साल से लोगों ने नरेगा में काम किए हैं लेकिन उनको दिहाड़ी नहीं मिल पाई है। आप अंदाजा लगाइए कि जिसने लेबर ने काम किया है उसको चार सालों से पैसे नहीं मिले होंगे, उसका परिवार कैसे चलता होगा, ये भी हमारा है। और लास्ट में हमारा पॉइंट है कि देविका के नाम पर बड़े इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि देविका को 170 करोड़ मिल गया, कभी कहते हैं 186 करोड़ मिल गया। हम हिसाब ये चाहते हैं कि जैसे हर प्रोजेक्ट का आपका पेपर में आता है, मीडिया में आता है कि ये 186 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें फलां फलां चीज के लिए फलां फलां जगह पैसा खर्च होंगे, ताकि उसका पैसे का मिसयूज ना हो। क्योंकि अगर 186 करोड़ जितना भी है वो किसी मंत्री किसी एमएलए किसी लीडर का नहीं है, वो टैक्स पेयर मनी है। हर जितने लोग आए हैं हम सारे टैक्स पे करते हैं, हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमें पता होना चाहिए कि किस लिए खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के दिनों में इसको इलेक्शन में मिसयूज करके पैसा बर्बाद हो जाए। आपने भी देखा होगा कि कई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं और वो लोगों का पैसा बर्बाद होता है और उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं डीसी साहब से कहूंगा कि ये जो अपने हमने जो भी शहर में रहता है सब पूरा पैदा करते हैं और उसको फेंकना म्यूनसिपलिटी सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करता है उस चीज को। तो आपको मैं दो बताऊंगा कि हमने दो तीन काम किए इसमें। एक तो जो मांड में जो लैंड है उसमें ऑलरेडी टेंडर हो गया, उसमें जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तो लेकिन उसको भरने में टाइम लगेगा उस चीज को। तो तब तक एक डेढ़ साल के लिए हमने टेम्परेरी एक जगह को देखा।